नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर को दिल्ली से जोड़ने वाले हाईवे पर स्थित कोलाघाट पुल का एक हिस्सा ढह गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसा देर रात हुआ। इस दौरान पुल से एक कार गुजर रही थी जो बीच में ही फंस गई। बताया जा रहा है कि कार पर सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पुल टूटने की वजह से शाहजहांपुर बदायूं मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि यह पुल वर्ष 2007 में बसपा सरकार के कार्यकाल में बनाया गया था। कोलाघाट पुल शाहजहां से बदायूं को जोड़ता है। इस पर लगातार वाहन गुजरते हैं। बताया जा रहा है कि यह पुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। पिछले महीने में ही पुल बीच में धस गया था, जिसके बाद करीब एक सप्ताह से अधिक समय तक मरम्मत का कार्य चला। इस दौरान पुल के दोनों ओर पक्की दीवार बनाई गई थी। रविवार देर रात इस पुल का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। वहीं कोलाघाट पुल टूटने से शाहजहांपुर से दिल्ली हाईवे यातायात ठप हो गया है। प्रशासन ने अल्लाहगंज की ओर से वाहनों का डायवर्जन किया है। बदायूं और दिल्ली की ओर से आने वाले वाहन मिर्जापुर थाने से 2 किलोमीटर आगे तारापुर तिराहे से फर्रुखाबाद रोड से अल्लाहगंज के रास्ते निकल सकते हैं। शाहजहांपुर और जलालाबाद की ओर से आने वाले वाहन बरेली फर्रुखाबाद रोड से राजेपुर अमृतपुर से तारापुर तिराहा होते हुए आगे निकल सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही इसी पुल पर एक ट्रक रेलिंग तोड़कर नदी की तरफ पलट गया था। फिलहाल अधिकारी मौके पर हैं। पुलिस प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि कोलाघाट पुल 20 से 25 वर्ष पुराना है। पहले यहां एक पिलर धस गया था, जिसके बाद वो नीचे चला गया है। टेक्निकल टीम अध्ययन कर रही है। प्रशासन ने कहा है कि तुरंत सर्वे कराया जाए, जिससे जल्द ही काम पूरा कराया जाए और इसकी कनेक्टिविटी को बहाल किया जा सके। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।